हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को सिंपल इजी तरीके से डेप्थ में समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिन्हें इंग्लिश से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो वो लेक्चर में यूज हुए इंग्लिश के वर्ड्स की हिंदी और हिंदी के नोट्स ले सकते हैं। तो ऑप्टिक्स की सीरीज में हमने बात की थी कि लाइट क्या होती है ना। सबसे पहले लाइट का एक हिस्टोरिकल व्यू देखा, किस तरह से लाइट पे कौन कौन सी थ्योरी आई। इसके बाद और भी बहुत सारी बातें करी। इसके बाद फिर लाइट के हमने बात करी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद और भी हमने लास्ट में बताया था कि लाइट में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे फेनोमेना होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, स्कैटरिंग होती है, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रेक्शन होता है ना। ये सब घटनाएं और भी बहुत सारी होती हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं तो जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी घटना है जो अपने डेली लाइफ में बड़े काम की है, उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या इसको बोलते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है, जब ये लाइट कोई सरफेस है, सरफेस मतलब कोई दो मीडियम के बीच का इंटरफेस है ना। जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है तो जैसे मान लो कोई लाइट आई तो ये उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इस वापस लौटने की जो घटना है, जो फिनोमेना है, इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो मान लेते कोई एक रे है, इस सरफेस पर आई और ये इस तरह से वापस चली गई, ठीक है। तो इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली रिफ्लेक्शन का मतलब है किसी भी सरफेस से लाइट का टकरा के उसी उसी मीडियम में वापस लौट जाने की जो घटना है, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये कोई एक रे आई, एक्चुअली आती बहुत सारी रे, हम गिन भी नहीं सकते, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हमने मान लिया कि कोई एक रे है, ये इस तरह से आई और ये वापस चली गई, ठीक है। तो जो रे किसी सरफेस पर आती है, इस रे को हम बोल देते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये रे जिस सरफेस के, इस सरफेस के जिस पॉइंट पर पड़ती है आके, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसके बाद जो रे वापस चली गई उसी मीडियम में, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन हर सरफेस से होता है, ठीक है। जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, हर चीजों से रिफ्लेक्शन होता ही है, ठीक है। बिना रिफ्लेक्शन के हम किसी चीजों को देख नहीं सकते। बस ये बता कि किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है और किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन कम होता है, ठीक है। अगर इसको हम पॉलिश कर देंगे और चिकना कर देंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि बहुत ज्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, है ना। मेजर पार्ट जितना भी लाइट आ रही है उसका ज्यादातर पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर हम पॉलिश नहीं करेंगे तो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब भी होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट भी होगा, नीचे भी आएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हर एक सरफेस से होता है, जो भी चीजों को हम देख रहे हैं सबसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता ही है। तो इस तरह से ये कोई इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हमारे लिए लाइफ के लिए बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो बात कर लें टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला है रेगुलर, मतलब एक रेगुलर वे में रिफ्लेक्शन हो, मतलब ऐसे समझ ले जैसे मान ले कोई एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है और पॉलिश सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पर पैरेलल रेज आ रही है, ये हमने दो चार दिखाई है लेकिन होती कितनी, होती तो इनफाइनाइट, ये मान लेते हैं पैरेलल रेज आ रही है और पैरेलल रेज आई और इससे रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये पैरेलल ही वापस गई तो इनके आने का और जाने का, वापस जाने का एक रेगुलर पैटर्न है ना। इस तरह का रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो किसी सरफेस से अगर पैरेलल रेज आए और पैरेलल ही वापस चली जाए तो इस तरह का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और नॉर्मली ये रिफ्लेक्शन किसी एक स्मूथ सरफेस से होता है ना, स्मूथ सरफेस। ये सरफेस कैसे होगी, स्मूथ, चिकनी, ठीक है। इसके बाद अगला जो रिफ्लेक्शन होता है वो इरेगुलर होता है, अगला है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर। तो अगर ये सरफेस स्मूथ ना हो के रफ हो जाए, ठीक है, मान लेते कोई सरफेस रफ सरफेस है और इसमें अगर कोई रे आई, ये पैरेलल रेज आ रही है
और रिफ्लेक्शन के बाद ये रेस पैरेलल नहीं है, कहीं भी जा सकती, कोई रे कहीं चले जाए, इसके जाने का कोई एक रेगुलर पैटर्न नहीं है। तो इस तरह का रिफ्लेक्शन कैसा होगा? इररेगुलर। ठीक है, रेस तो आई थी पैरेलल, लेकिन जब वापस गई तो ये इररेगुलर तरीके से कहीं भी जा सकती है। इस तरह का रिफ्लेक्शन कैसा होता है? इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, एक बताओ, रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा रहती है, और इररेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट की इंटेंसिटी कम रहती है। एक स्मूथ सरफेस से होने वाला जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर होता है, और एक इस एक रफ सरफेस से जो होने वाला रिफ्लेक्शन होता है वो इरेगुलर होता है। ठीक है, हम जो भी अपना इमेज देखते हैं शीशे में, वो एक्चुअली हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन का नहीं दिखता है, इरेगुलर का नहीं। ठीक है, इसीलिए क्या कोई दीवार में अपना इमेज देख सकते हैं? अपना इमेज नहीं देख सकते ना, क्योंकि दीवार से और कागज से, पेपर से, ये सबसे जो रिफ्लेक्शन होता है वो इरेगुलर होता है। इससे क्या होता है, लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है और वो हमारे पर्टिकुलर आंख में आ नहीं पाती, इसलिए हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं दिख पाता। ठीक है, तो इमेज एक बताओ, रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा रहती है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह के। अब रिफ्लेक्शन के फेनोमेना में क्या क्या चीजें चेंज हो जाती है और क्या क्या चीजें चेंज नहीं होती है ना, इसकी थोड़ा बात कर ले। तो जैसे लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले तो लाइट एक एनर्जी होती है, लाइट की अपनी इंटेंसिटी होती है। अब लाइट अगर एक वेव है तो लाइट की वेवलेंथ भी होती है, और लाइट अगर वेव है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी भी होती है, और लाइट की स्पीड भी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एनर्जी और इंटेंसिटी दोनों रिफ्लेक्शन के बाद कम हो जाते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद कुछ ना कुछ लाइट उस सरफेस से एब्जॉर्ब भी हो जाती है या फिर ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, मतलब उस सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाती है, उसी में अवशोषित हो जाती है, या फिर ट्रांसमिट हो जाती है, उसके पीछे चली जाती है। ठीक है, इसलिए ये दोनों चीजें रिफ्लेक्शन के बाद कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड की। तो लाइट की स्पीड डिपेंड करती है मीडियम पर। अब क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट का मीडियम चेंज नहीं होता, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है और यहाँ पर कोई रे ऐसे इंसिडेंट हुई और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर चले गए, तो पहले लाइट जिस मीडियम में, अभी भी लाइट उसी मीडियम में, इसका मतलब लाइट का मीडियम चेंज नहीं होता है। लाइट का मीडियम चेंज नहीं होता, इसलिए लाइट की जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं होता है, इसलिए लाइट की स्पीड वही रहती है। अच्छा, दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है लाइट के सोर्स पर, लाइट का सोर्स चेंज होता नहीं है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती। जैसे मान लो ये कोई बल्ब है, इस बल्ब से लाइट जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट है तो भी उसी बल्ब की, इसका मतलब लाइट का सोर्स नहीं चेंज हुआ, इसलिए लाइट की फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, इसका अगर अगर ये दोनों चेंज नहीं होंगे तो लाइट की वेवलेंथ भी चेंज नहीं होती। एक फॉर्मूला था 11th में, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, एक फॉर्मूला होता है किसी वेव के लिए, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, यहाँ पर v होती है स्पीड ऑफ द वेव, n होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और लैम्डा होता है वेवलेंथ। ठीक है, तो अब अगर v चेंज नहीं हुआ और n चेंज नहीं हुआ तो लैम्डा भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की एनर्जी और इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन लाइट की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतना ही बनी रहती है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ लाइट के प्रॉपर्टीज जो रिफ्लेक्शन के बाद चेंज होती है या नहीं होती। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमने कोई मान लो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये कोई हमारी एक इंसिडेंट रे है, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके चलेगी, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारी इंसिडेंट। ठीक है, ये हमने बताया। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक नॉर्मल खींच देते हैं, मतलब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, इस सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या करता है, इस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो सरफेस है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक लाइन ड्रॉ करें तो इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल और परपेंडिकुलर ये दोनों एक ही नहीं होते, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो परपेंडिकुलर होता है वो किसी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे कोई लाइन है, इस पर अगर हम एक एंगल बना, एक दूसरी लाइन खींच 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो ये लाइन क्या, ये जो लाइन है इसको हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं। परपेंडिकुलर कब, ये अगर लाइन है, ये देखिए एक लाइन, ठीक है, ये एंगल कितना 90। लेकिन अगर ये सरफेस हो गया, जैसे मान लो ये सरफेस है कोई, इस सरफेस पर अगर हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करें तो इसको परपेंडिकुलर नहीं, इसको नॉर्मल बोला जाता है। नॉर्मल, ठीक है, ये एंगल कितना 90। तो एक्चुअली में ये जो है, ये कोई लाइन नहीं है, ये एक सरफेस है। ये देखो ऐसे कोई सरफेस है, और अगर ये सरफेस है तो इसको नॉर्मल बोलना सही है, ना कि परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये इंसिडेंट है, ये रे है, ये रिफ्लेक्टर रे है, और ये नॉर्मल है। किस पॉइंट पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। तो रिफ्लेक्शन का जो लॉ है, पहला लॉ क्या है? तो पहला लॉ ये है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तीनों एक ही प्लेन पर मिलते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। अब किस प्लेन की बात हो रही है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन, हम ये नहीं बोल रहे कि ये इसी, ये इंसिडेंट रे इसी पॉइंट प्लेन पर मिलेगी, रिफ्लेक्टर रे इसी प्लेन पर मिलेगी और नॉर्मल इसी प्लेन पर मिलेगा, ये नहीं बोल रहे। हम ये बोल रहे हैं तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। मतलब कहने का ये कि अगर इंसिडेंट रे इस बोर्ड के प्लेन में है, नॉर्मल इस बोर्ड के प्लेन में है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी बोर्ड के प्लेन में होगी। जैसे मान लो, मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इंसिडेंट रे ये है और नॉर्मल ये है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ऊपर उठ जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ठीक है, इन तीनों का प्लेन एक ही होगा, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, तीनों इसी बोर्ड के प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये दो, इनको मान लेते हैं एक ये इंसिडेंट रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इसके बीच में मान लेते हैं ये एक नॉर्मल है। ठीक है, ये हमारे इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। मतलब अगर हम यहां से ऐसे देखें तो इन तीनों का प्लेन एक ही होगा, ये तीनों एक ही प्लेन में आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे हो जाए, अगर ये ऐसे हो जाएगा तो फिर इसका प्लेन अलग हो जाएगा, इसका प्लेन अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, यहाँ से हमें एक ही सीध में दिखेंगे ये चीज, ये जो प्लेन है ये तीनों का एक ही होगा। ये ऐसे टेढ़े हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन का पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, मिलने वाली बात नहीं है, लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद रिफ्लेक्शन का जो दूसरा लॉ है उसके लिए थोड़ा सा ये बता दें कि इंसिडेंट रे ये है और नॉर्मल ये, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये जो एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आई। एंगल आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये होता क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ऐसे रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसको एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का जो सेकंड लॉ है वो ये है कि दोनों जो एंगल है ना वो हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दूसरा लॉ है। तो ये दो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं। ये रिफ्लेक्शन के लॉज हर जगह वैलिड है, मतलब सरफेस कैसा भी हो, स्मूथ हो, रफ हो, खुरदरा हो, कैसा भी सरफेस हो, हर तरह के सरफेस के लिए ये दोनों लॉ हमेशा वैलिड रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं कोई एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये मान लेते हैं कोई एक रे इंसिडेंट हुई, और ये जो रे इंसिडेंट हुई है वो भी नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, मतलब इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है सरफेस पर। अब अगर इस तरह से आएगी तो इस पर अगर हम एक नॉर्मल रॉ खींच करें, नॉर्मल खींचे तो नॉर्मल इसी इंसिडेंट रे के ऊपर ही खींच जाएगा, यही नॉर्मल खींच जाएगा। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एंगल आई कितना जीरो, और अगर एंगल आई जीरो होगा तो एंगल आर भी जीरो होगा, एंगल आर भी जीरो होगा, एंगल आर जीरो होगा, इसका मतलब ये रे जो है रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो इसी के ठीक ऊपर से चली जाएगी। अगर ये जरा सा भी ज्यादा मुड़ेगी तब तो आर की कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी, है ना। इसका मतलब ये कि अगर आर को जीरो करना है
तो जो रिफ्लेक्टर रे है वो उसको ठीक इसी के ऊपर जाना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी रे किसी सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंस होती है ना 90 डिग्री पर आती है, तो वो रे रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस जाती है। ठीक है, सरफेस कैसा भी हो, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो कर्व, अगर ऐसा कर्व सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर भी अगर कोई रे ऐसे आएगी तो नॉर्मल 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री वापस भी ऐसे चली जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बात है। तो यहाँ पर आई भी जीरो और आर भी जीरो। एक और जगह से मान लेते हैं कि एक कोई एक कर्व सरफेस है, ठीक है, और इस कर्व सरफेस पर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारी मान लेते हैं कोई एक इंसिडेंट रे, ये हमारी कोई इंसिडेंट रे। अब यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है वो 90 है, मतलब आई की वैल्यू कितनी है 90, आई इक्वल टू 90, तो यहाँ आर भी 90 होगा, और आर भी 90 होगा मतलब जो रे है वो ऐसे जाएगी, है ना, यहाँ पर ये जो एंगल है ये आर 90 होगा, तो इस तरह से ये रे बिल्कुल सीधे चलेगी, आई भी 90 और आर भी 90। ठीक है, तो ये हमारे रिफ्लेक्शन के लॉस हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।